बदलेगी औरत तो बदले जहां। मिसाली औरत, एक मिसाली शख्सियत के बारे में जैसे हमने पहले मौजू में देखा, तो आज हम मिसाली औरत के हवाले से देखेंगे और इसका तज़किरा हज़रत खदीजा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के हवाले से ही देखेंगे। मक्का की फिजाएं दो आवाज़ों की गवाह हैं। एक आवाज़ सहमी हुई, वहशत ज़्यादा घबराई हुई, और दूसरी आवाज़ हौसला देती हुई। सहमी हुई, घबराई हुई आवाज़ एक मर्द की है और हौसला देने वाली आवाज़ एक औरत की है। सहमी हुई आवाज़ इस बारे में है, लकद खशीतु अला नफ्सी, मुझे मेरी जान का डर है। और हौसला दिलाती हुई आवाज़ आती है, कल्ला वल्लही मा युग़ज़ी कल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। और कश्मीनी की रिवायत में हमें ये अल्फाज मिलते हैं, कल्ला वल्लही मा यहज़ुनु कल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी गमगीन नहीं करेगा। हौसला दिलाती हुई औरत की आवाज़ है, इन्नका लतसिलुर रहम, यकीनन आप रहम के रिश्ते को जोड़ते हैं। वतहमिलुल कल, और आप बेकसों और फकीरों का बोझ उठाते हैं। वतकसिबुल मादूम, और आप फकीरों और महताजों को कमा कर देते हैं और मेहमान नवाजी करते हैं, मेहमानों की इज्जत करते हैं। वतुईन वाला नवाई बिल हक, और हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में आप लोगों की मदद करते हैं। ये बुखारी की किताब बदुल वही की रिवायत है और ये हदीस नंबर 3 है। ये एक औरत की आवाज़ है, उम्मीद भरी आवाज़, रब पर तवक्कुल करने वाली आवाज़ है। पहली आवाज़ मुहसिन इंसानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और दूसरी आवाज़ खातून जन्नत, जन्नत की औरतों की सरदार हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ीक़े हयात, बेहतरीन साथी और गम गुसारे नबुव्वत थी। ये वो औरत है जो दुनिया की औरतों में बेहतरीन है। कितनी सच्ची बात है जो रब ताला ने इरशाद फरमाई, सूरह रोम की आयत नंबर 21 है, वमिन आयातिही أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها, और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उस औरत के पास सुकून हासिल कर सको। यह है मर्द और औरत का बाहमी ताल्लुक। मर्द जो घर से बाहर बहुत सी मुश्किलात को फेस करता है, वो थका हारा, किसी मुसीबत में मुब्तिला, किसी परेशानी के साथ घर लौटे, तो औरत को क्या किरदार अदा करना है? वो उसको तसल्ली देगी, दिलासा देगी, उसको सुकून बाम पहुंचाने के लिए हर काम करेगी। हज़रत अबू हुरैरा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अच्छी औरत कौन सी है? नबी रहमत ने फरमाया, अच्छी औरत तो वो है जिस पर शौहर निगाह डाले तो वो उसे खुश कर दे, और जब शौहर उससे बात कहे तो वो माने, और अपनी ज़ात या शौहर के माल के बारे में ऐसा मुखालफाना रवैया इख्तियार न करे जिसे वो नापसंद करता। ये नसाई की रिवायत है, 3233 नंबर पर। बात यह है कि रब्बे करीम ने औरत को बेटी बनाया, बहन बनाया, उसे बीवी का किरदार अदा करने के लिए, माँ का किरदार अदा करने के लिए तैयार किया, और औरत हर हैसियत में बायस खैर हो सकती है। अगर औरत मोहसिन इंसानियत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल पैरा हो जाए, आज भी घर के अंदर की फिजा पुरसकून हो सकती है, मुआशरे में अमन कायम हो सकता है और एक मजबूत मुआशरा वजूद में आ सकता है। ज़रूरत इस अमर की है कि औरत मिसाली किरदार अदा करे।
और औरत को अल्लाह ताला ने उसी तरह से मकाम दिया है जैसे मर्द को दिया। हमने सूरह निसा की आयत नंबर 1 के हवाले से देखा, रब्बुल इज्जत ने फरमाया या अय्युहन्नासु तक्कू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगो अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और उन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें फैला दी। तो इंसान होने के नाते रब ताला ने दोनों को बराबर रखा। जहां तक आमाल का ताल्लुक है, इस मैदान में भी दोनों के दरमियान कोई फर्क नहीं। मन आमिला सोलिहन, रब ताला ने फरमाया जो शख्स नेक अमल करेगा, मिन ज़करिन औ उन्सा, खा मर्द हो या औरत, वह हुआ मोमिन और वो मोमिन है, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, तो हम जरूर उसे पाकीजा जिंदगी बसर करवाएंगे, वलनज़ियन्नहुम अजरहुम बि अहसनि मा कानू यअमलून, और उन्हें हम जरूर उनके आमाल से भी बेहतर बदला अता करेंगे। ये सूरह नहल की आयत नंबर 97 है। दोनों एतबार से हमने देखा मर्द और औरत में कोई फर्क नहीं। फिर तबलीग दीन के एतबार से भी रब करीम ने दोनों में कोई फर्क नहीं रखा। रब्बुल इज्जत ने फरमाया वल मुमिनून वल मुमिनात, और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, बाज़ुहुम औलिया उबाज, इनमें से बाज़ के दोस्त हैं, रफीक हैं, यानी ये मर्द और औरत के दरमियान ताल्लुक है। यअमुरून बिल मारूफी व यनहून अनिल मुनकर, वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। व युकीमून सलात व युतून ज़का, वो नमाज कायम करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, व युतीउन अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही लोग हैं अनकरीब अल्लाह ताला उन पर रहम करेगा। इन्नल्लाहा अज़ीज़ुन हकीम, यकीनन अल्लाह सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला। इस आयत से हमें जो बात पता चलती है वो ये कि अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का काम करना दोनों की जिम्मेदारी है, पहली बात। दूसरी बात ये कि नेक आमाल को अंजाम देने में भी दोनों में फ़र्क नहीं, फ़राइज भी एक जैसे, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना, दोनों बराबर है। और इन सारे कामों के नतीजे में अल्लाह ताला की तरफ से जजा भी बराबर है, यही लोग हैं अनकरीब अल्लाह ताला उन पर रहमत करेंगे, यानी दुनिया में भी और आखरत में भी, और अल्लाह ताला यकीनन सब पर गालिब है, हिकमत वाला है। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 71 है। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ी गलत फहमी पाई जाती है के दीन की बात पहुंचाना औरत की जिम्मेदारी नहीं है। ये आयत रब ताला का हुक्म है, आज नाजिल नहीं हुई, सैकड़ों बरस बीत गए, रब ताला ने मर्दों औरतों को बराबर रखा, दोनों की जिम्मेदारी है, इसमें से किसी को मुस्तस्ना करार नहीं दिया। इस वजह से इसको इसी एतबार से समझना चाहिए। फिर माशरती एतबार से देखें इस्लाम औरत को क्या मकाम और मर्तबा देता है। इस्लाम ने लड़की की पैदाइश को बायस से रहमत करार दिया, जबकि लड़कियों की परवरिश और निगहदाश्त को बायस से अजर करार दिया। मुस्लिम की 6695 नंबर रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने दो लड़कियों को परवरिश किया हत्ता के दोनों बाले हो गईं, तो कयामत के रोज़ वो मेरे साथ इस तरह आएगा, ये कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगलियाँ जोड़ कर बताया कि जैसे ये दो उंगलियाँ, ऐसे ही वो शख्स जिसने दो बेटियों को परवरिश किया, उनके निगहदाश्त की अच्छे तरीके से, वो और मैं कयामत के दिन इस तरह होंगे। बीवी होने की हैसियत से इस्लाम ने औरत को शौहर के लिए शरीक हयात और खानदान की तामीर के लिए अहम रुकन की हैसियत दी। कुरान हकीम में रिश्ते अज़दवाज की अहमियत वाज़े करते हुए रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हुन लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, वो औरतें तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। तो लिबास सतर पोशी के लिए भी होता है, लिबास जीनत के लिए भी होता है, और लिबास
जो है वो मौसम के सर्दो गर्म से बचने के लिए भी होता। तो मर्द और औरत के रिश्ते को इस्लाम ने लिबास करार दिया कि दोनों का ताल्लुक इसी तरह से होगा जैसे जिस्म और लिबास का ताल्लुक होता है। ये ताल्लुक है कि ये ताल्लुक ऐसा है जिसकी वजह से ये रिश्ता बायस जीनत भी हो, एक दूसरे के ऐबों को ढांपने वाला भी हो और ज़माने के सर्दो गर्म से एक दूसरे को बचाने वाला भी। इतनी खूबसूरत वजाहत है इस आयत में। ये अलबकरा की आयत नंबर 187 है। कुरान मजीद में शौहर को बीवी के साथ अच्छा बर्ताव करने के लिए हुक्म दिया गया, वह आशीरू हुन्ना बिल मारूफ, इन औरतों के साथ अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारो। और रब्बुल इज्जत ने वकील का किरदार अदा किया है क्योंकि औरत कमजोर है। औरत किससे मदद मांगे, किसके आगे फरियाद करे? रब्बुल इज्जत ने फरमाया, फइन करिहतुमूहुन्ना, फिर अगर तुम उन्हें नापसंद करते हो। अब आप देखिए, कोई औरत मर्द की निगाहों से गिर गई है, मर्द उसे नहीं चाहता, तो रब्बुल इज्जत ने किस तरह से उस औरत के बारे में मर्द को तवज्जो दिलाई है, रीजनिंग की है। अगर तुम उनको नापसंद करते हो, फासा अन तक रहू शैयन वयजअलल्लाहु फीही खैरन कसीरा, हो सकता है कि तुम एक चीज को नापसंद करो और अल्लाह ने उसमें तुम्हारे लिए खैर कसीर रख दिया, जाने रिस्क तुम्हें उसी की वजह से मिल रहा हो सकता है कि अल्लाह ताला ने उसकी वजह से तुम पर कितनी भलाइयां नाजिल कर दी। तो एक नजरों से गिरी हुई औरत को अल्लाह ताला कैसे मर्द के दिल में जगह दिलवा देता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खियारुकुम खियारुकुम लिनिसाई ही, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपनी बीवियों के हक में अच्छा है और मैं तुम सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के हक में अच्छा। ये इब्ने माजा की 1978 नंबर रिवायत है। माँ होने की हैसियत से इस्लाम ने उसे सबसे बड़ा दर्जा दिया। हदीस नबवी के एक शख्स ने दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? आपने फरमाया, तेरी माँ। फिर उसने अर्ज किया, इसके बाद आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। उसने अर्ज की, फिर इसके बाद आपने फरमाया, तुम्हारी माँ। कहा, फिर कौन? आपने फरमाया, तुम्हारा बाप। ये सही मुस्लिम की 6500 नंबर रिवायत है। जहां तक दीगर मामलात का ताल्लुक है, इस्लाम ने औरत की मुकम्मल अहलियत को, उसके हक को तस्लीम किया है। वालिदैन और शौहर से अलहदा, यानी वालिद वालदा की मौजूदगी में उसकी अलग शख्सियत को तस्लीम किया है। फिर शौहर की मौजूदगी में भी उसकी अलग पर्सनालिटी को तस्लीम किया गया, उसकी शहरी हैसियत, उसकी ज़ाती मिल्कियत को तस्लीम किया है। औरत की शख्सियत ऐसी नहीं है कि जो मर्द की शख्सियत में गुम हो जाए, इस्लाम ने उसे अलहदा तशख्स दिया है और उसके दायरे में उसे पूरे हुकूक दिए हैं। इस्लाम ने औरत को तिजारत, मजदूरी, हाथ से काम करके दौलत कमाने की इजाज़त दी है, इसी तरह महर का हक दिया। तो मर्द को महर का माल वापस लेने से रोका है, मीरास के माल की भी वो मालिक है, उसकी मर्जी के बगैर उसके माल से किसी तरह का फायदा उठाने का हक इस्लाम नहीं देता। तालीम के मैदान में भी इस्लाम ने औरत के साथ पूरा इंसाफ किया है। माशरे में उसके अहम किरदार की वजह से तालीम और तरबियत को उसकी ज़रूरत करार दिया और औरत की तालीम और तरबियत को शौहर की जिम्मेदारी भी करार दिया। इस्लाम ने दोनों सिनफों के दरमियान तकसीम कार का उसूल इख्तियार किया। मर्द का दायरा बुनियादी तौर पर मुआशी सरगर्मियों के हवाले से घर से बाहर है और औरत की सरगर्मियाँ घर के अंदर हैं। इसी एतबार से पैदायशी तौर पर दोनों को अलग अलग सलाहियतें दी गईं। इस्लाम औरत को बेहतरीन मकाम देता है तो उसका तकाजा है कि वो बेहतरीन किरदार अदा करें। एक औरत के अंदर वो कौन सी खसूसियात हैं जो उसके किरदार को मिसाली बना सकती हैं और कौन सा हवाला है जिसकी वजह से उसके दराजात मुख्तलिफ हैं? हम इसे दो पहलुओं से देखेंगे, एक आम औरत है और एक खास औरत। आम औरत वो है
यानी जो आम किरदार अदा करती है, और जो खास औरत है, वेरी स्पेशल, वो खास किरदार अदा करती है। तो पहले हम आम औरत को देखेंगे जिसमें तमाम औरतें शामिल हैं। आम औरत वो है जो अल्लाह ताला और उसके बंदों का हक अदा करती है, वो बेटी हो, बहन हो, माँ हो, बीवी हो, या किसी और हैसियत में जिंदगी के तमाम मामलात में इंसाफ पर कायम रहती है। नफ्स की हर उकसाहट और शैतानी वसवसों का मुकाबला करती है और अपने माल से भी अपने अल्लाह का हक अदा करती है। हमेशा दुनिया के मुकाबले में आखरत के अंदेशे में जीती है। घर वालों और ताल्लुक वालों के दरमियान इस्लामी अखलाक के साथ मामला करती है। मामलात में, हर तरह के मामलात में इस्लाम के तकाजों को मलहूज़ खातिर रखती है। बहसियत माँ के वो अपने बच्चों की इस्लाह को फ़र्ज़ अव्वलीन समझती। बहसियत बीवी के वो अपने शौहर के घर वालों के लिए मसला नहीं बनती। जिंदगी में हमेशा वो देखती है कि क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। ये बड़ी आम बात, हर जगह पर ये सोचना कि ये काम मुझे कर लेना चाहिए, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, लोग कहते हैं, ये उसकी लुगत में शामिल ही नहीं। एक मिसाली औरत की लुगत में ये बात नहीं शामिल कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि वो हमेशा अल्लाह की रजा को देखती है और मोहम्मद रसूलुल्लाह की इत्तेबा करती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और अपनी जन्नत बनाने के लिए काम करती है। दूसरे नंबर पर खास औरत है। खास औरत मुसलमान होने के नाते अपनी दीगर जिम्मेदारियों को भी निभाती है। ये जिम्मेदारी कहाँ तक अदा की जा सकती है, वो अपनी सलाहियत के मुताबिक उसे अदा करने की कोशिश करती है। हम कुरान हकीम में देखें तो दो मिसाली औरतों का तज़किरा मिलता है और दो गैर मिसाली औरतों का। जैसे सूरह अत-तहरीम में रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, आयत नंबर 10 है, ज़रबल्लाहु मसलल लिल्लज़ीना कफरू इम्रअत नूह व इम्रअत लूत। अल्लाह ताला ने काफिरों के लिए नूह की बीवी और लूत की बीवी की मिसाल दी है। दोनों हमारे बंदों में से नेक बंदों के निकाह में थीं, बस उन दोनों ने उनसे खयानत की। वो दोनों अल्लाह ताला से उनके कुछ भी काम नहीं आ सके और उनसे कह दिया गया, दाखिल होने वालों के साथ तुम दोनों भी आग में दाखिल हो जाओ। ये तहरीम की आयत नंबर 10 है। इसी तरह से अत-तहरीमी की आयत नंबर 12 में फरमाया, वज़रबल्लाहु मसलल लिल्लज़ीन आमनु इम्रअत फिरौना, और अल्लाह ने मोमिनों के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल दी। जब उसने दुआ की, रब्बिबनिली इंदका बैतन फिल जन्ना, ऐ मेरे रब, मेरे लिए जन्नत में एक घर बना दीजिए, वनजिनी मिन फिरौन वामलिही, और मुझे फिरौन और उसके अमल से बचा ले, यानी फिरौन जो कुछ करता है मुझे फिरौन से भी बचा लेना, उसके अमल से भी बचा लेना, वनजिनी मिन अल-क़ौम अज़्ज़ालिमीन, और मुझे जालिम कौम से नजात देना। यह तहरीम की आयत नंबर 11 थी। और 12 नंबर आयत में है, और मरियम इमरान की बेटी जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, चुनांचे हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी और उसने अपने रब के कलिमात और किताबों की तस्दीक की और वो फरमा बरदारों में से थी। चार औरतें हैं हमारे सामने, दो एक तरह की और दो एक तरह की। दो औरतें मिसाल हैं ईमान वालों के लिए, दो औरतें मिसाल हैं काफिरों के लिए। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि दो काफिर औरतें जो मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने पेश की हैं, अल्लाह ताला ने बताया कि वो दो नेक बंदों के निकाह में थी। इसलिए बताया है कि मर्द की नेकी अल्लाह के यहाँ औरत के काम नहीं आ सकती। जहन में रख लें, हर एक के अपने आमाल काम आने वाले। दूसरी बात ये बताई, उन दोनों ने उनसे खयानत की। सवाल ये पैदा होता है, वो खयानत क्या थी? एक चीज़ तो ये है कि तय्यब मर्दों के लिए तय्यब औरतें हैं और खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें। तो इन दोनों पैगंबरों के साथ उन्होंने बेवफाई नहीं की थी, यानी इस रिश्ते के लिहाज से। लेकिन जिस नज़रिए के, जिस अकीदे के शौहर पाबंद थे,
जिस मिशन को वो लेकर उठे थे उस मिशन में उन्होंने वफा नहीं की, मिशन में साथ नहीं दिया। तो अल्लाह ताला ने उन दोनों औरतों को इनसे अलग कर दिया, अंजाम अलग अलग हो गया। उन दोनों से कहा गया, अगरचे तुमने नबी की रफाकत की है, एक मुद्दत गुजारी है, अगरचे तुम उसके बच्चों की माँ भी हो, इसके बावजूद तुम दोनों आग में चली जाओ। और ईमान वालों के लिए दो औरतों की मिसाल दी कि एक औरत ऐसी है जिसका शौहर फिरौन है, इतना सख्त गिर है, लेकिन वो अपना किरदार अदा करती है। उसका किरदार कैसा है? ख्वातीन जन्नत की सरदार बना दिया क्या हजरत आसिया को। इस एक बात में हमारे लिए कितना बड़ा सबक है। उसने दुआ की, रब बने लिए इंदक बैतन फिल जन्ना, महलात में रहती थी लेकिन फिरौन और उसके अमल से बचना चाहती थी, कि मैं किसी जुल्म में शरीके कार नहीं बनना चाहती। तो वो औरत जिसका शौहर खुद खुदा बना बैठा हो, अल्लाह ने उसको कितनी बड़ी दौलत दी, ईमान वालों के लिए मिसाल बना दी, कि वो औरत उसके अक्द में होने के बावजूद जन्नत गई। तो वक्त के किसी फिरौन की बीवी भी जन्नत जा सकती, क्योंकि औरत की अलहदा शख्सियत को इस्लाम तस्लीम करता है और इस्लाम उसे मौके देता है कि भले से किसी भी माहौल में रहो लेकिन तुम्हारा रुख रब की तरफ रहना चाहिए। फिर उसने बरात इख्तियार की कि मैं फिरौन और उसके अमल से नजात चाहती हूं, और दूसरी बात यह कि मुझे जालिमों से नजात देते, यानी मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे इनसे नजात देते, जुल्म करने वालों के साथ मैं शामिल नहीं होना चाहती। और अभी थोड़ी देर पहले जो आपने सवाल किया था कि अगर शौहर इजाजत ना दें, जिसका अल्लाह हुक्म दे उसकी इजाजत शौहर देगा? कि आप मामलात की हकीकत को क्यों बदलना चाहते? कहां बादशाह कायनात, कहां उसका मकाम है और कहां एक उसके अदना गुलाम का मकाम है? हकायक को उल्टी है मत। ये इसका मामला ऐसे ही है जैसे आप उल्टे खड़े हो जाए, सर के बल चलना शुरू कर दें। मुराद ये कि ये मत पलट जाने की बात है। हर चीज को उसका मकाम देते हैं, जहां पे आखिरी अथॉरिटी फैसला कर दे, फिर किसी की तरफ नहीं देखा करते, रास्ते अल्लाह ताला खुद निकाल देता। फिर दूसरी औरत है इमरान की बेटी मरियम, एक बीवी और एक बेटी, बिन्त वज़्ज़ौजा। औरत बेटी की हैसियत में हो तब कैसी होगी, अगर वो बीवी की हैसियत में, अब दूसरी औरत बीवी नहीं है, वो सिर्फ बेटी है, माँ भी है, लेकिन ये माँ दुनिया की वाहिद अजीब माँ है कि अल्लाह ने उसको अपने ख़ास फजल करम से चुना था, उसे सोले नबी बेटा अता किया। तो हज़रत मरियम की पहली खसूसियत बताई, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की थी। तो मुसलमान औरतों के लिए मिसाल है हज़रत मरियम की ज़िंदगी, सबसे पहला काम अपनी इज्जत की हिफाजत है। चुनांचे हमने उसमें अपनी रूह फूंक दी, उसने अपने रब के कलिमात और उसकी किताबों की तस्दीक की। यह है मिसाली मुसलमान औरत का किरदार, यह है मिसाल। रब के कलिमात से मुराद अल्लाह ताला का कलाम है, जो भी उसने हुक्म दिया, और उसकी किताबों की तस्दीक की मुराद ये कि उसने अपनी किताब में जो अहकामात दिए हैं वो सच्चे हैं, अपने अमल से भी तस्दीक की और जुबान से भी तस्दीक की। और उसकी ये खसूसियत बताई कि वो फर्मा बरदारों में से थी। अब हम ज्यादा डिटेल से देखते हैं एक आम औरत को। अल्लाह के यहाँ मकाम और मर्तबा हासिल करने के लिए मग़फ़िरत की जो खसूसियात बताई गई हैं वो मर्द और औरत दोनों के दरमियान मुश्तरक है। रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, यकीनन फर्मा बरदार मर्द, इताअत करने वाले मर्द और इताअत करने वाली औरतें, वल मुमिनूना वल मुमिनात, ईमान लाने वाले मर्द और ईमान लाने वाली औरतें, फर्मा बरदारी करने वाले मर्द और फर्मा बरदारी करने वाली औरतें,
रास्तबाज सच्चे मर्द और सच्ची औरतें, सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, खुशू करने वाले मर्द और खुशू करने वाली औरतें, सदका देने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें, रोज़ा रखने वाले मर्द और रोज़ा रखने वाली औरतें, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें, और अल्लाह को कसरत से याद करने वाले मर्द और कसरत से याद करने वाली औरतें। अल्लाह ताला ने उनके लिए मग़फ़िरत और बड़ा अजर तैयार कर रखा है। इस आयत से जो हकीकत हमारे सामने आती है कि मर्द और औरत के रोल में उमूमी तौर पर कोई फ़र्क नहीं है, यानी मग़फ़िरत के लिए जितने आमाल हैं और अजीम अजर पाने के लिए जितने आमाल हैं, अल्लाह ने दोनों का किरदार बराबर रखा। ये सूरह अल-अहज़ाब की आयत नंबर 35 है। तो इस आयत में तमाम वो खसूसियात बताई गई हैं जो मकबूल बंदों में होनी चाहिए, खा मर्द हो या औरत। इस हवाले से अगर हम देखना चाहें तो पहली खसूसियत इस्लाम है, यानी अल्लाह ताला की फरमा बरदारी। तो एक मिसाली खातून वो है जो इस्लाम को ज़ाबता हयात लाइफस्टाइल के तौर पर कबूल करती है, पसंद करती है। उसके अंदर इस्लाम के खिलाफ कोई मुखालफाना जज्बात नहीं पाए जाते, कोई घुटन नहीं, कोई तंगी नहीं, वो इस्लाम के अहकामात को कबूल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप अपना जायज़ा लेना चाहें तो अल्लाह का शुक्र अदा करने का मौका मिलेगा कि अल्लाह ने कोई घुटन नहीं रखी, अल्हम्दुलिल्लाह, कि वही घुटन दूर करने वाला। बदले ये औरत तो बदले जहां,